गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू के एडमिशन्स के बारे में। जनवरी सेशन में अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने इग्नू में न्यू एडमिशन लिया होगा, बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार फीस भी ले लिया है, कुछ बताया भी नहीं है, क्या करना है, एडमिशन्स कन्फर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं आपको एडमिशन्स के बारे में फुल डिटेल दूँगी। मैं अभी इग्नू BCA की स्टूडेंट हूँ। इग्नू का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और रीजनल ऑफिस जो होते हैं वो आपके एरिया के ऑफिस होते हैं जो बाकी सारे छोटे स्टडी सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं। और स्टडी सेंटर्स वहाँ हैं जहाँ आपकी क्लासेस होती हैं, आपके अटेंडेंस बनते हैं, आपकी असाइनमेंट सबमिट होती है। स्टडी सेंटर आप अपने से चूज़ कर सकते हैं, प्लस अपने रीजनल सेंटर को भी आप अपने कम्फर्ट जोन के मुताबिक उसे चूज़ कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जिन कोर्सेज़ में प्रैक्टिकल हैं उनके लिए क्लासेस कंपलसरी हैं। अगर आप BA वगैरह के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लासेस को अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप BCA, MCA या फिर BSc के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने क्लासेस को अटेंड करना कंपलसरी होगा बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल्स। आपका एडमिशन कंफर्म होने पर आपको इंडक्शन मीटिंग का एक मैसेज आएगा और ईमेल भी आएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके साथ ही आपका ID भी आ जाएगा और मीटिंग आपके स्टडी सेंटर पर ही होंगी जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है। तो प्लीज़ मीटिंग को अटेंड करें। मीटिंग में सारा कुछ समझाया जाता है, आपके कोर्सेज से रिलेटेड जो कुछ भी डिटेल्स है वो आपको दी जाती है। बुक्स जो हैं वो आपकी आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी। थोड़ा लेट हो सकता है बट वेट करें, बुक्स आपकी आ जाएंगी। अगर ज़्यादा लेट हो रहा है तो आप अपने रीजनल ऑफिस से जा कर के बुक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स जो हैं आपके, उनके क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए जाएंगे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और साथ ही उसे सबमिट करने की डेट भी। आपको अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करना है अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले हर सेमेस्टर में। फीस जो है वो आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स में ली जाएंगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपने दे दिया होगा एडमिशन के टाइम, सेकेंड आप तब दोगे अपने सेकेंड सेमेस्टर में जाने के वक्त टर्म एंड एग्जामिनेशन के बाद। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो साल में 2 बार होती हैं, जुलाई के सेशन में एंड दिसंबर के सेशन में। इनकेस आपका जुलाई का एग्ज़ाम छूट जाता है तो आपको उसे दिसंबर में देना है अगर आप देना चाहते हो तो। एग्ज़ाम से पहले आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। लास्ट डेट है इस साल एडमिशन्स की 15 फरवरी 2020, जो कि एक्सटेंडेड है फॉर नेशनल स्टूडेंट्स, एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो 20 फरवरी 2020 है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 by 1 सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी। एंड आपका एडमिशन अगर कंफर्म नहीं होता है तो आप फिक्र मत करें, आपका जो फीस है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।